तो आपने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। आप विधायक विशेष रवि ने कहा है कि एमसीडी की तरफ से बैक स्ट्रीट करोलबाग के स्कूल की जमीन पर अवैध पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है और 2019 में स्कूल को बंद किया, फिर प्राइवेट माफियाओं के साथ मिलकर पार्किंग प्रोजेक्ट का प्लान बनाया। डीडीए से लैंड यूज बदलवाने के बाद ही उस जमीन पर अन्य प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं, लेकिन बिना लैंड यूज बदलवाए एमसीडी ने टेंडर शुरू किया। कोरोना से पहले उस स्कूल में करीब 800 बच्चे पढ़ते थे। शिक्षकों की कमी बताकर एमसीडी ने बच्चों के नाम काट दिया और सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। यदि इस प्रकार स्कूलों को बंद किया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 की सुबह एमसीडी ने सभी 45 दुकानें सील कर दी और हमें ऐसे स्थान पर जाने को कहा जहां किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। कोरोना से हमारी हालत पहले ही खराब थी, एमसीडी के लालच ने आज रोजी रोटी भी छीन ली है। एमसीडी लगातार सवालों के घेरे में है। जहां अब तक हेरिटेज बिल्डिंग बेचने का आरोप लगाया गया था, वहीं आज करोलबाग के विधायक विशेष रवि जी ने आरोप लगाया है कि अब बच्चों की शिक्षा का अधिकार भी बीजेपी शासित एमसीडी छीनने में लगी हुई है। क्या है पूरा मामला, बात करते हैं विशेष रवि जी। सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, करोलबाग बैंक सीट के ऊपर नगर निगम के दो प्राथमिक विद्यालय हैं, एक में बच्चियों के लिए है, एक लड़कों के लिए है। ये दोनों विद्यालय लगभग 60 साल पुराने हैं और कोरोना से पहले ये दोनों विद्यालय बिल्कुल ठीक चल रहे थे। कोरोना से ठीक पहले जब कोरोना आया, उस समय एमसीडी के लोगों ने, अधिकारियों ने, वहाँ करोलबाग के जो बड़े शोरूम मालिक हैं उनके साथ मिलके एक प्लान बनाया कि कैसे इन दोनों विद्यालयों पर ताला लगाया जाए और यहाँ पर एक पार्किंग प्रोजेक्ट लेके आया जाए। देखिए, हम पार्किंग प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं हैं, पार्किंग प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, लेकिन विद्यालयों की ज़मीन को बेचकर या स्कूलों की बिल्डिंग्स को ख़त्म कर पार्किंग को बनाया जाए, प्रोजेक्ट्स को लाया जाए, इसको जो है हम बिल्कुल जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो नगर निगम के अधिकारियों ने, नगर निगम के कमिश्नर साहब ने ये प्लान बनाया और कोरोना से ठीक पहले इन स्कूलों को बंद किया। वहाँ पर पढ़ रहे बच्चों को ये बोला कि ये स्कूल बंद हो रहा है, टीचर्स की शॉर्टेज है, पढ़ाने की शॉर्टेज है, हमारे पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। ये बोल के उन सारे बच्चों को, जो लगभग 700 बच्चे उन स्कूल में पढ़ रहे थे, उन बच्चों को मना कर दिया गया और उनको वहाँ से निकालने के बाद वहाँ पर टेम्परेरी पार्किंग शुरू कर दी। मार्केट के लोगों को कहा गया कि स्कूल बंद है, आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर लीजिए। तो वहाँ उसके बाद से टेम्परेरी पार्किंग शुरू हो गई और उसके बाद तुरंत के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया गया यहाँ पार्किंग लाने का और उसमें स्कीम बनाई गई कि इस जगह पे जो लगभग 4112 स्क्वायर मीटर की है, इस जगह के ऊपर 300 गाड़ियों की खड़ी करने की जगह हो और ठेकेदार जो पार्किंग बनाएगा उसको लगभग 200 दुकानें बनाने का जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर व्यवस्था की गई। और उसके बाद से वहाँ पर उसके ठीक पड़ोस में जो दुकानें हैं उन दुकानों को भी रातारात सील कर दिया गया है। जिस तरीके से ये बीजेपी शासित एमसीडी लगातार दिल्ली की जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है, आपने बताया कि फैक्ट्रियां सील कर दी गई, स्कूल बंद कर दिए गए और दूसरी तरफ जहां बताया गया कि साउथ में स्कूलों के 10 स्कूलों के टीचर्स को दो स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, इस तरीके का भ्रष्टाचार लगातार एमसीडी का सामने आता जा रहा है, क्या कहेंगे इसके? देखिए, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है कि इन चुनावों के अंदर इस बार उनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसीलिए यही एक कारण है कि वो लगातार जाते जाते सारी प्रॉपर्टीज़ को बेचने में लगे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि ये प्रॉपर्टीज़, नगर निगम की प्रॉपर्टीज़, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं है, ये अधिकारियों की नहीं है, ये दिल्ली के लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ज़मीन जायदाद दिल्ली के लोगों की है। तो ये थे हमारे साथ विशेष रवि जी, जिनका साफ कहना है कि अगर बीजेपी शासित एमसीडी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पा रही है तो वो बच्चों के इस राइट टू एजुकेशन का अधिकार ना छीनते हुए उन नेताओं की प्रॉपर्टी को बेचें जो कि 15 साल से दिल्ली में हैं, बीजेपी की जो सरकार 15 साल से दिल्ली में थी उनकी प्रॉपर्टी को बेचा जाए, ना कि बच्चों के पढ़ने वाली जगह को बेचकर अपने कर्मचारियों की तनख्वाह निकाली जाए। दिल्ली से अपने जनतंत्र टीवी के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।